ओके, तो अब स्विचिंग थ्रेशोल्ड इन्वर्टर, ठीक है, ये हम कंडीशन देखने वाले हैं। ये होती कब है, सबसे पहले ये जान लीजिए। ये तब होगी जब दोनों आपके जो पी मॉस एन मॉस होंगे वो सेचुरेशन रीजन में होंगे, ठीक है। तो यानी उस समय सेचुरेशन करंट बहेगी, ठीक है। तो मैं इसको सेचुरेशन लिख दे रहा हूँ, आई डी सेचुरेशन ऑफ पी इक्वल टू आई डी सेचुरेशन ऑफ एन, ठीक है, ये बराबर होने चाहिए। चलिए, अब ये ड्रेन जो ड्रेन सोर्स और गेट हमें मार्क करना है इसमें, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि कहाँ मार्क करना है। तो देखिए, जैसे पी मॉस है हमारा, जो पी मॉस में हमारा जो सोर्स होगा वो हायर पोटेंशियल पे आपको लगाना है, ठीक है। तो हायर पोटेंशियल पे लगाना, इसी तरीके से एन मॉस जो है वो उसका हम ड्रेन जो है ड्रेन वो हम हाई पोटेंशियल पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हम ड्रेन मार्क कर दे रहे हैं, और इसको मैं सोर्स, क्योंकि ये सोर्स लोअर पोटेंशियल पे है और ड्रेन हायर पोटेंशियल पे एन मॉस का, जैसा कि हमने यहाँ कंडीशन लिखी है। लेकिन ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, अगर गलत मार्क कर दिया तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। और यहाँ पे डी, इसी तरीके से यहाँ पे हम सोर्स देखिए, इसका सोर्स जो होगा वो वी डी डी से कनेक्ट होना चाहिए, यानी हायर पोटेंशियल पे, और ये ड्रेन होगा और ये गेट होगा। चलिए, इतना हो गया हमारा काम। अब हमें पता है कि वी जी एस, ठीक है, वोल्टेज गेट टू सोर्स, तो गेट टू सोर्स यानी ये पॉजिटिव यानी ये नेगेटिव, और वी डी एस यानी ड्रेन टू सोर्स, तो ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा। इसी तरीके से इसे भी मार्क कर लो, ये पॉजिटिव हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी वी डी एस हो जाएगा। और ये गेट था ना, तो वी जी एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था, एस जी भी लिख सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखना ये तब हमें ऐसे मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप हायर पोटेंशियल सोर्स को, इस सोर्स वाले को ले रहे हो और गेट वाले को नेगेटिव ले रहे हो। तो ये मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं इसी को ही यूज़ करूँगा, ठीक है। चलिए, अब लिखते हैं इसकी करंट। ओके, तो यहाँ पे हमें पता है कि जो पी मॉस की हमें सेचुरेशन करंट पता होनी चाहिए, जब आपका मॉसफेट सेचुरेशन रीजन में काम करेगा उस समय की हमें करंट पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हाफ के पी वी जी एस माइनस वी टी पी, ठीक है, स्क्वायर हाफ के एन वी जी एस माइनस वी टी एन का होल स्क्वायर। ये आपकी एन वाली है और ये आपकी पी वाली है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको स्क्वायर किया, ठीक है। अब देखिए, वी जी एस और वी टी पी, मैं जो पी वाले मॉस में है, मैं ये वाला कन्वेंशन ना यूज़ करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी एस जी माइनस मॉड वी टी पी, ठीक है, इसको मैं कर दूंगा स्क्वायर। ये हो जाएगा हाफ के एन, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, जो सेकेंड वाला कन्वेंशन था ना उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कैंसिल हो जाएगा, ये तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और के एन आपका इधर हो जाएगा, के एन अपॉन के पी स्क्वायर था, उसको स्क्वायर को हटा दो, ये अंडर रूट आ जाएगा। और वी जी एस माइनस वी टी एन इक्वल टू वी टी पी मॉड, ठीक है, वी एस जी। अब वी एस जी निकालना यहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं हमारे इसमें डायग्राम में, देखिए यहाँ पे देखिए वी एस जी निकालना है, एस जी यानी हम हायर पोटेंशियल इसको मानेंगे, ठीक है। तो अगर हम लिखें यहाँ से, अगर हम ऐसे चलते हैं ऐसे ऐसे, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए वी जी एस है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव वी एस जी, ठीक है। अब यहाँ से हम चलना चालू करें, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लेते हैं, इसको रहने देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ करने को, ठीक है। तो ये वी डी डी था, तो माइनस वी डी डी ऊपर से चल रहे हैं, यहाँ पर आए प्लस वी एस जी, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा वी इन, ठीक है। तो वी इन यानी प्लस वी इन इक्वल टू जीरो। तो क्या देखने को मिलेगा, मिले को देखने को मिलेगा वी डी डी माइनस वी इन इक्वल टू वी एस जी। देखो, इसको उठा के यहाँ रखना है हमको, ठीक है। तो मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, दिखे तो, ठीक है। अब
हम इसको जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, वी डी डी माइनस वी इन, ठीक है, मॉड वी टी पी, मॉड ले लिया, इक्वल टू अंडर रूट के एन अपॉन के पी वी जी एस माइनस वी डी एन, ये हो गया, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, वी डी डी माइनस मॉड वी टी पी प्लस अंडर रूट के एन अपॉन के पी वी टी एन, मैं इसको इधर ले आया, ठीक है। अब ये के एन अपॉन के पी वी जी एस, ठीक है, और जो वी इन बचा था मैं इधर ले लिया। देखिए मेरे को यहाँ निकालना क्या था, ठीक है, अब हम उसकी बात कर लेते हैं, क्या हमें निकालना है। हमें देखिए वी इन की वैल्यू पता करनी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वी इन की वैल्यू मेरे को पता करनी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, वी जी एस, एक मिनट, कुछ मिस्टेक है, नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ वी जी एस जो है उसको भी हमें लिखना पड़ेगा उससे ही देख के, यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम देखें, हमको निकालना है वी जी एस, ठीक है, तो फिगर से देखेंगे वी जी एस, तो वी जी एस अगर हम ऐसे चलना चालू करें, ठीक है, ऐसे चलें तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वी जी एस लिख सकते हैं माइनस वी इन प्लस देखिए यहाँ वी जी एस इक्वल टू ज़ीरो, ठीक, ये हो गई, यानी हमारी जो वी जी एस जो आ गया वो क्या हो गया, वी इन के बराबर। तो मैं यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं पुट कर दे रहा हूँ, इसको यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के एन अपॉन के पी वी इन प्लस वी इन इक्वल टू अंडर रूट के एन के पी वी टी एन प्लस मॉड वी टी पी माइनस वी डी, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। अच्छा, तो वी इन हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा वी इन आ जाएगा वी डी डी माइनस वॉट वी टी पी प्लस अंडर रूट के एन अपॉन के पी वी टी ओवर वन प्लस अंडर रूट के एन अपॉन के पी, ठीक है, तो ये मेरे को मिल गई क्वेश्चन, यानी हमें इतना वोल्टेज यहाँ पे मिल गया, वी इन इतना लगाना। अब देखिए हम बात करते हैं स्विचिंग थ्रेशोल्ड ऑफ इन्वर्टर, अगर इसी को ही हम देखें स्विचिंग थ्रेशोल्ड ऑफ वोल्टेज बोलते हैं, वी हम लिखते रहते हैं स्विचिंग थ्रेशोल्ड ऑफ इन्वर्टर, ठीक है, यही है आपका वी इन। अब इसमें कुछ कंडीशंस देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट हैं, आपको पता होगा सिमेट्रिकल सीमॉस इन्वर्टर, उसकी कंडीशंस यहीं से ही आती हैं। कैसे आती हैं सिमेट्रिकल सीमॉस इन्वर्टर की, उसके लिए हम लिख दे रहे हैं कि के एन अगर हमारा के पी के बराबर हो जाए, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये हो कि वी टी एन वी टी पी के मॉड वी टी पी के बराबर, ये दोनों जब कंडीशंस आएंगी तो हमको क्या देखने को मिलेगा, देखिए जैसे ये दोनों आएंगी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों कैंसिल होंगे, नीचे कितना बचा, दो, ये कैंसिल हो चुका था, कितना बचा ऊपर, ए वी डी डी, तो वी डी डी ओवर टू वी एन, इसी को ही हम बोलते थे सिमेट्रिकल सीमॉस इन्वर्टर, यही कंडीशन हमको यहीं से मिलती है। तो ये हमें बताना था, छोटा सा काम था कि कैसे हम स्विचिंग थ्रेशोल्ड ऑफ इन्वर्टर थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोलते हैं इस चीज़ को, वी इन को यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमें निकालना था। और दूसरी बात, हमें ये स्विचिंग सिमेट्रिकल सीमॉस इन्वर्टर की जो कंडीशंस हैं वो क्या होंगी, जब हमारा वी इन वी डी डी बाई टू होगा, इस समय देखिए सेचुरेशन करंट होंगी, दोनों आपके जो पी मॉस होंगे वो सेचुरेशन करंट को फ्लो करा रहे होंगे, और उसी समय हमको ये कंडीशन मिली है कि सिमेट्रिकल सीमॉस इन्वर्टर की, ठीक है, तो इतना बताना था, इम्पोर्टेंट था, ओके, तो